तो क्या गाइस, आज की वीडियो में हम लोग इस वाले टनल के अंदर जाने वाले हैं अपनी इंडियन बाइक्स आईडी गेम के अंदर। ओ भाई, तो यस गाइस, हो सकता है आज की वीडियो में हम लोग इस वाले टनल के अंदर जाएं, क्योंकि भाई लोग आज की वीडियो में भी हम मिथबस्टर्स को कंफर्म या फिर बस्ट करने वाले हैं। तो चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बढ़ते हैं अपने पहले मिथ की तरफ। आप रॉकेट लॉन्चर या स्टिक बम से एनपीसी को मारोगे तो पुलिस नहीं आएगी। वहाँ पे खड़े हैं ना दो, इनके पास चलते हैं। सबसे पहले तो आरपीजी से ट्राई करते हैं, फिर हम स्टिक बम से भी करेंगे। तो आरपीजी से इसको ब्लास्ट करते हैं। ये इस पे फायर कर लेता हूँ मैं। ओके डन, ये आई थिंक खलास हो चुका है। यस, ये खलास हो चुका है और मेरा स्टार भी नहीं लगा। अगर अभी मैं गन से या फिर पिस्तौल से इसको मारता तो मेरा अभी स्टार लग जाता, बट आरपीजी से कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब उस लड़की पे ट्राई करते हैं स्टिक बम से। आई थिंक स्टिक बम से तो आ जाएंगे। ये स्टिक बम से तो आते हैं, फिर भी यहाँ पर मैं इस पे स्टिक बॉम्ब्स लगा लेता हूँ दो तीन। यहाँ पर एक तो लग चुका है भाई, एक चूक क्यों रहा हूँ मैं। लग जा यार, एक लग जा। ओके एक लग गया, दो भी लग गए, मतलब तीन लग गए। अब इनको एक्टिवेट करते हैं। इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सेटिंग्स में। यहाँ पर एक्टिवेट किया और सारी की सारी लड़की का तो काम ही खलास हो गया और ये समय स्टार नहीं लगाए। भाई अगर आप लोग आरपीजी से या फिर स्टिक बॉम्ब से कितनी भी एनपीसी को मार लो, बट आप लोग का कोई भी स्टार नहीं लगेगा। तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। अगर आप ट्रैक्टर पे और फॉर्च्यूनर को एक साथ बैठोगे तो फिर देखो मैजिक। तो यहाँ पर सबसे पहले स्पॉन कराते हैं ट्रक ट्रेलर, जिसका चीट कोड 0122 ये डायल कर दी आ चुका है। ट्रक ट्रेलर इसके पास में ही मिला नहीं है एक फॉर्च्यूनर। तो फॉर्च्यूनर को मैं साइड पे स्पॉन करा रहा हूं, क्योंकि अभी स्पॉन करवाऊंगा तो उसका बैठने वाला ऑप्शन उस साइड आ जाएगा और दोनों के ऑप्शन नहीं आ पाएंगे। अब देखो यहाँ पर इस साइड बैठने वाला, अब सिर्फ इसको एक साथ मिलाएंगे तो दोनों के ऑप्शन आ जाएंगे। बस याद रहे अच्छे तरीके से ये दोनों मिलने चाहिए, जो हमारा फॉर्च्यूनर का गेट है और उस साइड जो ट्रक ट्रेलर का गेट है ना वो मिलने चाहिए। मिला लिया, उतर जाता हूँ और भैया तो ट्रक को भी उधर कर रहा है। एनीवेज अब शायद दोनों के ऑप्शन आ जाएंगे, मैं बैठ जाता हूँ। एंड यस, यहाँ पर ट्रक का भी गेट ओपन हुआ है, मतलब हम दोनों में बैठ चुके हैं। अब आई थिंक हर बार की तरह ये एक टाइम पे दोनों ही चलेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है, बट नहीं, शायद ट्रक ट्रेलर नहीं चल रहा है। फिर भाई ये कैसा हुआ है मैजिक, मेरी फॉर्च्यूनर सेम चल रही है, ट्रक ट्रेलर तो चल ही नहीं रहा है। काफी घूम लिया भाई, बट इसको तो कुछ भी नहीं हो रहा। मैं उतर जाता हूँ, अब शायद मैं ट्रक में बैठ जाऊँ, बट नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। अब तो मैं फॉर्च्यूनर से उतर चुका हूँ, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। शायद यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। पर भाई ये क्या हुआ था, आई डोंट नो भाई ये क्या था। मैं जैसे ही इसके पास गया, मैं वहां पे जाके पहुंचा। फिर से मैं इसके पास चलता हूँ, ये मैं इसके पास आया और ये देखो फिर से वहां पहुंचा। भाई जब मैं इसके पास में जा रहा हूँ, लिटरली मैं दूर जाके गिर रहा हूँ, मतलब गिर तो नहीं रहा हूँ, रुका ही हुआ हूँ, पर दूर जाके जा रहा हूँ, मतलब मुझे तो लगा था कुछ नहीं होगा, बट ये वाला मिथ कंफर्म्ड है। मिथ, अगर आप मेगा रैम के पीछे वाली वाल के अंदर जाकर कोई कार स्पॉन करो फिर होगा मैजिक। तो ये है पीछे वाली मेगा रैम की दीवार, इसके हमें अंदर चलना है। तो देखते हैं हम अंदर जा पाते हैं कि नहीं इसके अंदर ऐसे, और नहीं मतलब हमें कार की मदद से इसके अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं एक गाड़ी स्पॉन करा लेता हूँ, 300 डायल करके टार्जन को ही मंगा लेते हैं और मैं फंस चुका हूँ, शायद इसके अंदर चला जाऊं। जा 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 जा, अबे यार नहीं गया। और भाई ये मेरी टार्जन कैसे फंस चुकी है और निकल गई यार। छोड़ो इन बातों को, सबसे पहले हमें इनके दीवार के अंदर चलना है। तो अगेन यहाँ पे मैं कोई ना कोई गाड़ी को स्पॉन कर रहता हूँ ताकि वो हमें अंदर धकेल ले भाई इस दीवार के अंदर, और आ गया। ओके भाई, काफी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली इसके अंदर तो आ चुके। अब यहाँ पे मैं गाड़ी करनी है स्पॉन, लेकिन भाई एक बार आप लोग नीचे देखो यार, कितना ऊपर हूँ मैं और साइड वाली दीवार तो मुझे दिख भी नहीं रही है। थोड़ा सा मैं इस साइड चल के देखता हूँ यहाँ पर क्या होता है। और अबे यार, उसने तो मुझे धक्के लिया और वास्टेड हो गया, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, फिर से आ चुके हम इसके अंदर। अब यहाँ पे हमें करनी है गाड़ियां स्पोन। गाड़ी यहाँ तो स्पोन नहीं करनी है, बट यहाँ पे गाड़ियां स्पोन करानी है। तो यहाँ पर मोबाइल डाल करके कोई भी गाड़ी मंगा लेते हैं सबसे पहले। ओके 1000 डाल करके फिर से फॉर्च्यूनर को स्पोन कराते हैं और ये स्पोन करी। और भाई ये कहाँ गई। भाई साहब, तुम लोगों ने स्पीड देखी थी, वो कैसे स्पीड में गई थी। मैं फिर से यहाँ पर स्पॉन कराता हूँ टार्जन कार को और तुम लोग स्पीड देखो, देखो वहां पे जाके गिरी है भाई इतने टाइम में। इस बार भाई एक और मैं टार्जन कार मंगाता हूँ और मैं थोड़ा सा स्लो मोशन कर लूंगा, आप लोग देखना वो कैसे जा रही है। ये देखो भाई कैसे, मतलब स्पॉन करते ही स्पीड में जा रही है यूं सारी की सारी गाड़ियां। भाई हेलीकॉप्टर देखते हैं हेलीकॉप्टर के साथ क्या होता है, क्योंकि वो तो मेगा रैम में फंस जाता है। और ये स्पॉन करा और ये थोड़ा सा ही आगे गया। अब भाई कार भी स्पॉन कर लिया, हेलीकॉप्टर भी स्पॉन कर लिया, तो बाइक को भी कर लेते हैं। बाइक ने हमारा क्या किया है, तो ये 7-8 डायल करके स्पॉन के आया भूसा और भाई वो तो हेलीकॉप्टर को भी लेके गई। इस साइड पे व्हीकल्स को स्पॉन करते हैं और यहाँ पे कहाँ गई भाई, शायद नीचे जाके गिरी है। भाई क्या ही क्रेजी था। तो ये वाला मैं तो ऑब्वियसली कंफर्म्ड है।
ये था आप हेलीकॉप्टर और ट्रेन में एक साथ बैठो और देखो मैजिक। तो यहाँ पर सबसे पहले हेलीकॉप्टर को स्पॉन कराते साइड पे, फिर उसके साथ मिलाएंगे। नहीं तो अगर मैं डायरेक्टली ट्रेन के साथ हेलीकॉप्टर को स्पॉन करूंगा तो ये अटक जाएगा, इसी वजह से मैं इसको फिर ऐसे उड़ा के साइड में मिला लेता हूँ। और तब तक अगर आप लोगों को भी कोई मिथ आता है इस गेम का तो कॉमेंट कर दो। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर मैं इसके साथ अब इसको मिला लेता हूँ, उतर जाते दोनों के ऑप्शन शायद आ ही जाएंगे। एंड यस आ गए, और यहाँ पर मैं हेलीकॉप्टर में बैठ तो चुका हूँ और अपने आप ही ट्रेन में चला गया। भाई कुछ तो क्रेज यू आई, मैं थोड़ा सा यहाँ पर चला के देखता हूँ ट्रेन को, पर ट्रेन तो नहीं चल रही और हेलीकॉप्टर चल रहा है, ऐसे ही गया भाई। लिटरली मेरा करेक्टर उसमें बैठा ही नहीं हुआ है, मेरा करेक्टर ट्रेन में बैठा है पर वो अपने आप उड़ गया। वेट भाई, मैं यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेता हूँ, शायद हमारा हेलीकॉप्टर नीचे आ जाए, फिर से हम लोग उसको देख पाए, बट नहीं आएगा। आ गया, मुझे तो लगा था नहीं लौटेगा, बट आ गया। और ये देखो मैं जैसे ही एक्सीलेटर दे रहा हूँ हमारा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है भाई, उड़ गया फिर से। एक सेकंड एग्जिट करके देखते हैं, यहाँ पर मैंने एग्जिट कर लिया, अब हेलीकॉप्टर पे पहुंच जाऊंगा शायद, पर नहीं मैं तो वॉइड में जाके गिरा। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे लगा मैं हेलीकॉप्टर में जाके बैठूंगा पर मैं तो वॉइड में आ गया। बाकी ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है, अगर हम रेंज रोवर को आरजीबी कलर करके कोई दूसरा कलर करें तो उसके वाइपर पार्ट पर पेंट होता है। तो भाई रेंज रोवर का चीट कोड 4x6 ये डायल करती आ जाती है रेंज रोवर। अब सबसे पहले इसका कलर करते हैं आरजीबी, तो यहाँ पर इसके पास चलते हैं, अपने मोबाइल निकाल लेता हूँ और यहाँ पर कलर्स कर लेते हैं आरजीबी। अब इसके वाइपर्स देखते हैं दूसरा कलर करने पे चेंज होते हैं या फिर नहीं। सबसे पहले तो इसका वाइपर वाला पार्ट देख लो, ये जो ये है ना, ये इसका वाइपर वाला पार्ट है। चलो अब ये है वाइपर, इनका कलर देखते हैं चेंज होता है या फिर नहीं। यहाँ पर मैं इसको कर लेता हूँ ग्रीन, और यस भाई ये वाली साइड देखो ग्रीन हो चुकी है, ग्रीन हो चुका है, सारी की सारी गाड़ी आरजीबी है, फिर भी यहाँ वाले पार्ट पे कलर चेंज हो रहे हैं, सारे के सारे कलर ब्लू पर्पल रेड सब। आरजीबी होने के बाद भी सारे के सारे इस वाले पार्ट्स पे कलर हो रहे हैं, आरजीबी करते ये ब्लैक होए जा रहा है, क्रेजी भाई। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कोई भी गाड़ी को आरजीबी करने के बाद उसका कलर चेंज नहीं होता, बट इसका थोड़ा बहुत पार्ट चेंज हो रहा है आरजीबी करने के बाद भी। तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। अगर हम किसी भी बाइक को ट्रेन के पास साथ कर रख देंगे, उसके बाद एग्जिट करके जब दोनों के ऑप्शन आए तब क्लिक करेंगे तो देखो मैजिक। तो यहाँ पर मैंने स्पॉन करा लिया अपनी फेवरेट स्प्लेंडर, जो कि कल की वीडियो से हो चुकी है हमारी फेवरेट। बाइक का यूज करना होगा तो हम इसी को स्पॉन कराते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको साथ मिला लेता हूँ ट्रेन के, और तब तक आप लोग कमेंट सेक्शन में हैशटैग स्प्लेंडर टाइप कर दो। अच्छा, बाकी दोनों के ऑप्शन आ चुके हैं, मैं बैठ जाता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। और भाई मेरा बंदा देखो भाई, मतलब इतना दूर है हमारी बाइक कहाँ पे और मेरा बंदा पूरा का पूरा आसमान में। और भाई ये मैंने फर्स्ट पर्सन व्यू कर रखा है तो ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं ड्रोन शॉट ले रहा हूँ। हाँ वैसे इतना ज्यादा भी नहीं फेंकना चाहिए था। बाय द वे ट्रेन को और बाइक को मिलाने से ये वाला ग्लिच होता है जो कि आप लोगों के सामने है। तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ बोलेरो की लाइट्स का कलर चेंज नहीं होता है पर आरजीबी करने से होता है। बोलेरो का चीट कोड 3100 ये डायल कर दी आ जाती है बोलेरो। सबसे पहले तो इसकी लाइट्स ऐसे चेक करते हैं, यहाँ पर मैं बैठ चुका हूँ, इसकी लाइट्स कर लेते हैं ऑन, और सामने से तो लाइट ऐसे ही दिखेगी बट इसकी लाइट ऑन करते हो कि सामने से अभी व्हाइट है जैसे कि नॉर्मल गाड़ियों में होती है, सेम है अभी तो, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो अब उतरते हैं, इसको करते हैं आरजीबी, देखते हैं इसका कलर कैसा हो जाता है। गाड़ी का कलर नहीं, गाड़ी का कलर तो आरजीबी हो जाएगा बट अब लाइट्स का देखना है। तो फिर से बैठ जाते हैं, यहाँ पर इसकी करते हैं लाइट्स ऑन। तो यहाँ पर आरजीबी करने के बाद भी इसकी लाइट्स ऑन कर ली है पर वो भाई सेम लाइट्स ही है, मतलब जैसे व्हाइट होती है वैसी है, कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ। तो ये वाला मिथ बस्ट है। मिथ, अगर गन स्विमिंग पूल में फायर करोगे तो छेद होते हैं लाइक वाल में। तो निकालते हैं अपनी गन, इसमें करते फायर और भाई ये सच्ची में हो रहे हैं। भाई आई थिंक ये पहला ऐसा स्विमिंग पूल है जिसके अंदर लिटरली छेद हो रहे हैं। नहीं तो भाई मैंने तो कभी ऐसा स्विमिंग पूल नहीं देखा या पानी नहीं देखा जिसमें छेद होते हो लाइक वाल, बिल्कुल मतलब वैसे छेद हो रहे हैं जैसे कि ये एक वाल हो। तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ, अगर तुम बोलेरो स्पॉन करो और उसका कलर चेंज करोगे तो उसके जो पैटर्न होते हैं वो गायब नहीं होगा। तो ये रही बोलेरो कार और इन पैटर्न की बात, और ये जो कि इसमें बने हुए हैं और आई थिंक इस साइड पे भी है। एंड यस यहाँ पे देखो इस साइड पे भी सेम पैटर्न्स बने हुए हैं। तो अब इसका कलर चेंज करते हैं, देखते हैं फिर ये मिटते हैं या फिर नहीं। तो यहाँ पर अपने मोबाइल निकालते हैं, चलते हैं गैलरी में और इसका कलर करते हैं येलो, और अभी तक तो दिख रहे हैं येलो पे। चलो सभी कलर्स भी ट्राई करके देखते हैं, ग्रीन पे भी दिख रहे हैं बट थोड़े बहुत छुप गए बट नजर आ रहे हैं, मतलब काम चल जाएगा। तो यहाँ पर फिर से अपने मोबाइल निकालते हैं, एक एक कलर करके सभी को चेंज करते हैं। ब्लू पे भी नजर आ रहा है, इस पे भी नजर आ रहा है, रेड पे भी आ रहा है, ऑरेंज पे भी, ब्लैक पे भी, व्हाइट तो पहली होती है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट सभी कलर्स पे, मतलब
शो हो रही है एंड आरजीबी पे नहीं हो रही भाई। सारे के सारे कलर्स कर लिए उनमें तो इसका पैटर्न नजर आ रहा था, बट ये वाला आरजीबी करने के बाद नजर नहीं आ रहा है। पर यार एक पे नहीं हुआ, बाकी सभी पे हुआ है, तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है। मिथ आरजीएस टूल में लिखो फोन कलर ग्रीन, फिर देखो मैजिक। तो ये रहा आरजीएस टूल, यहाँ पर टाइप करते हैं फोन कलर ग्रीन एंड ओके करते हैं, डन करते हैं, और भाई मेरी फोन का कलर ग्रीन हो गया। ऐसे करके ऑलमोस्ट आप सभी के सभी कलर्स कर सकते हो इस वाली फोन पे, तो ये वाला मिथ कन्फर्म्ड है भाई। ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया है। तो गाइस आज के लिए कुछ इतने ही मिस थे जो कि आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताए थे, उनमें से काफी सारे मिस ऐसे थे जो कि कंफर्म थे एंड काफी सारे मिस ऐसे थे जो कि बस थे। तो आई होप आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज्यादा पसंद आएगी, अगर पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट सेक्शन में मुझे तुम लोग मिस जरूर बता के जाना, क्योंकि आजकल आप लोग मुझे मिस नहीं बता रहे, तो आप लोग को जो भी मिथ आता है बता देना। बाकी अभी आप लोग जो ऊपर वीडियो शो रही है उस पर क्लिक करो, मैं आप लोगों को वहीं पे मिलूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।